take you home with me. You know I got the strap, but right I pushed it. यो बॉयज एंड गर्ल्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, इट्स मी साहिल खाली बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस, फाइनली आज वो दिन आ गया है, वो घड़ी आ चुकी है भाई साहब, मेरी लाइफ की सबसे कठिन और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक घड़ी आ चुकी है। आप लोग टाइटल से समझ गए होंगे, तो ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है हमें। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं गोवा, आज मेरा आखिरी दिन है भाई साहब लखनऊ में। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं बस उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ और कपड़े वपड़े पहने हैं, और पैकिंग तो हम लोग ने सारी रात में कर ली थी, टीवी वगैरह सब कुछ पैक हो चुका है। हम लोग साथ में टीवी ले जाएंगे और थोड़ा बहुत जो अपना बैगेज वगैरह है वो सब जाएगा। जब टीवी, PS5 वो सब मतलब जितना भी सामान था वो सब बताने की ज़रूरत नहीं, वो सब पैक है। बस अपने साथ, आप लोग को बता दें, हम अपने साथ फजल को भी ले जा रहे हैं, जिसको हम टिड्डी कहा करते हैं, वो भी जा रहा है, वो भी हमारे साथ वहीं रहेगा। अब थोड़ी देर में ड्राइवर आ जाएगा और हम लोग जाएंगे फिर एयरपोर्ट, फिर वहाँ से पहले तो हम लोग की लखनऊ टू बेंगलोर फ्लाइट है, थोड़ा स्टे है वहाँ पे 2-3 घंटे का, फिर बेंगलोर टू गोवा है, तो हम लोग गोवा 3-4 बजे पहुँचेंगे। तो हम जब एयरपोर्ट वगैरह पे होंगे तो हम लोग के साथ टीवी रहेगा, तो हम ज़्यादा ब्लॉग नहीं शूट कर पाएंगे, पहले आप लोग को बता दे रहे हैं। तो लेकिन फिर भी थोड़े बहुत शॉर्ट्स और सिनेमेटिक्स वगैरह लेंगे, जहाँ जहाँ पर पॉसिबल होगा हम शॉर्ट्स लेंगे। तो भाई साहब, आज आखिरी दिन है, बस क्या बताते हैं, आप लोग दुआ करिए कि जो मेरा नया लाइफ का चैप्टर है वो उसमें हम सक्सेसफुल रहें और मेहनत करें अपनी लाइफ में, गोल्स और बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी अचीव करें। और अब आप लोग को गोवा सिर्फ घूमने को मिलेगा, लखनऊ का सीन ख़त्म, फजल आ गया है मुँह धो के, पानी यानी सूख के आया, जाड़ा लग रहा है घर में, देखो टोपा वोपा पहने हुए, इतना ज़्यादा जाड़ा हो रहा है लखनऊ में, बस दिल कर रहा है भाग जाए लखनऊ से। लेकिन यार फैमिली और यार मेरा जो गुग्गी है उसकी बहुत याद आने वाली है हमें, तो सच में यार आई एम गोना मिस माय फैमिली। बस मेरा लखनऊ में कोई नहीं है, बस मेरी फैमिली है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए, और कुछ तो यार हम मेरे लिए मैटर नहीं करता है, वो तो चलिए हम आते रहेंगे, लेकिन फिर भी यार अभी जा रहे हैं तो बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत गंदी सी फीलिंग आ रही है। लेकिन जर्नी की स्टार्टिंग सैडनेस से नहीं करते, हैप्पीनेस से करते हैं, तो चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को आई होप कि मज़ा आने वाला है, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, और गोवा जब चलेंगे तो वहाँ पर थोड़ा बहुत आप लोग को दिखाएंगे, तो चलते हैं। गाइस, एयरपोर्ट आ गए हम लोग, जल्दी से भैया बोर्ड कर लेते हैं, गाड़ी आई थी हम लोग ड्रॉप करके चली गई, और इतना सामान है, ये टीवी, ये बैग, पोलो टायर। चेक इन और सब कुछ बल्ला के जो वगैरह हो चुका है, हम लोग खाली एयरपोर्ट टहल रहे हैं। आज हम लोग जा रहे हैं तो धूप निकलेगी, जमीनी केकड़ा आ रहा है। अबे पंखा कितना सेक्सी लग रहा है यार, बेटा अरे जम्मा बैठे हैं खिड़की पर, बेंगलुरु।
अभी हम लोग बेंगलुरु के एयरपोर्ट पे, 2 घंटे बाद हम लोग का गोवा की फ्लाइट है। गाइस एट एयरपोर्ट आई बॉट दिस बुक, एक्चुअली इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, रोमिन शर्मा की द ग्रेटनेस गाइड। अभी तो भाई टाइम स्पेंड हो रहा है मैं एयरपोर्ट पे, बतिया रहा है वो पिड्डा। इट्स टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम बेंगलुरु टू गोवा। Here we go again. Cabin crew to your seats for takeoff. Always be a part of the circus. बस अब लगेज हम लोग को कलेक्ट करना है। पिड्डी साहब की हालत ख़राब हो गई है, थक गए ये भी तो हम भी, अब आगे आगे चले गए। सारा सामान भाई साहब मिल गया भैया, बहुत गर्मी है यहाँ। सब उतार के जैकेट आगे स्वेटर वेटर सब मज़ा आ गया। गोवा तो पहुँच गया, मगर जा रहे अपने होटल। गाइस हम लोग गोवा आ चुके हैं और हम लोग अपने भाई के होटल पे आ गए हैं। अब्बा अंदर बैठे हुए हैं और हम लोग फ्रेश वगैरह हो के बाहर आए हुए हैं। होटल बहुत प्यारी जगह पे है और अभी तो कोरोना क्राइसिस के वजह से पब्लिक नहीं है यहाँ पे ज़्यादा होटल में, लेकिन फिर भी यार गोवा आ गए हैं हम लोग फाइनली। मज़ा आ गया यार, मतलब बहुत अच्छा मौसम है, देख रहे हैं हाफ में है हम लोग, ठंडा भी है थोड़ा सा, मतलब अभी शाम हो रही है तो धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, वरना दिन में टेम्परेचर गर्म रहता है। अभी हम लोग चलेंगे अपने वाला जो हम लोग का होटल है वहाँ चलेंगे, देखते हैं। तो अभी तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, अभी ये आमिर भाई का घर है, हम लोग यहाँ पे आए पहले। अभी हम लोग जाएंगे 3-4 घर मतलब देखेंगे, फिर हम लोग जाके एक आध घर लेंगे, तब उसमें हम लोग रहेंगे। हाँ मफजल, वो सब तो बाद की बात है, अभी पहले आ गए हैं, अब सेटल होना बाकी है। आ तो गए हैं गोवा हम लोग, अब बस सेटल होना है। वो दे बिल्ली उसी कैट गुग्गी, आई गजब दो दो हैं। ये देखिए अबे अंडा खा रही है ऊपर से। कहाँ कौन, आ जा आ आ जा बैठ गई, आओ हम लोग गाइस फ्रेश हो चुके हैं। आप लोगों को जैसा बताया हम लोग का बस सेटल होना बाकी है, तो अभी हम लोग 2-3 घर जाके देखेंगे और फिर सेटल होंगे वहाँ पे जाके। तो होप करते हैं कि भाई घर अच्छा मिले, 1-2 रूम का घर मिल जाए बस हम लोग का काम हो जाएगा। तो अभी हम लोग थोड़ा यार थके हुए आए हैं सफ़र से, तो थोड़ा सा बस हम लोग रेस्ट कर लें, फिर अभी अगर जाएंगे रूम देखने तो कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग, वरना कल कंटिन्यू करेंगे, वरना एंड भी कर सकते हैं, कुछ ना तीनों में से कुछ ना कुछ होगा। और अम्मा जल्दी आइए, मज़ा आ रही है बहुत, बीच पे जाएंगे ब्लॉग आएंगे, और अब तो आए हैं गोवा में। गाइस आइए आपको एक चीज़ दिखाते हैं, हमें सबसे अच्छी चीज़ मिल गई, हम लोग पैदल घूमने आए थे और देखिए इधर वाले देखिए क्या है भाई साहब, फुटबॉल ग्राउंड देख के बहुत तेज लालच आ रही, दिल कर रहा बस खान जाए यहाँ पे। तो पहले तो यार हमने अभी 2-3 महीने से फुटबॉल नहीं खेला, तो अपना गेम वापस लाएंगे, फिर जाएंगे हम एकेडमी ज्वाइन करेंगे यहाँ पे, देखते हैं कौन सी एकेडमी अच्छी है। अगर आप लोग को पता हो गोवा में कौन सी एकेडमी अच्छी है तो हमें ज़रूर बताइएगा। हम लोग खाली थोड़ी दूर 100 कदम आए होंगे और हम लोग को ग्राउंड देखने को मिल गया। हम सोच रहे थे कि यार मेरे होटल के पास ग्राउंड है फुटबॉल का, हम सिर्फ जब से आए हैं लखनऊ से हमें यही चिंता हो रही थी, भाई साहब मिल गया, अपनी मेहनत सफल हुई, बहुत प्यारा लग रहा है यार। माइकल जैक्सन देख रहे हो भाई। है कि क्या है ये, मार दो तो एक बार में गेम खत्म। यहाँ का सुकून भात से ज़्यादा है, मतलब ये वाला पेड़ गोवा की शान है। नारियल पानी, आप कोस्टल एरियाज में जाएं और आपको ये पेड़ ना दिखे। टहल लिए भाई हम लोग, अब चलते हैं यार। गाइस हम लोग यहाँ आए थे कुछ और देखने, लेकिन हम लोग को जॉनी सिंस दिख गया व्लॉगिंग करते हुए,
ये देखिए, he is doing vlogging man. Oh shit, am I in trouble? Guys, हम लोग जा रहे हैं अब टर्टिल बीच पे, जो हम लोग का होटल है वहाँ पे जा रहे हैं. अब और आमिर भाई निकल गए हैं गाड़ी से भाई साहब, हम लोग जा रहे हैं पैदल बिना गाड़ी के, यही होने वाला है. वो लड़का आ रहा है सामने से खड़बड़ाता हुआ. लड़का नहीं है, लड़की है. गाइस अब उन लोग को बीच दिख रही है, डुबकी मारने का प्लान बन रहा है. तैरने का बता रहे कैसे तैरेंगे. नाउ वी अराइव्ड टू आवर डेस्टिनेशन. बीच पे आ गए हम लोग, बस अब अपना होटल ढूंढना है, ये हम लोग का टास्क है. आई थिंक दिस इज द वे टू बीच. बीच के करीब पहुँचते ही जा रहे हैं तो हम लोग की सांसें और धड़कने तेज होती जा रही हैं. क्या सीन है भाई, गोवा की लाइफ यार. सुनते थे भाई लेकिन बेस्ट है यार. आ चुके हैं हम, जब छोटे थे तब आए थे. फसल कह रहा अब हमसे रहा नहीं जा रहा बीच को देख कर. अभी बीच फुटबॉल चल रहा है. ये लगा हुआ है बहुत देर से हम लोग को. क्या हो भाई साहब, यार अलग यार मजा आ रहा है. कौन है, काश फैमिली होती है और दूसरी तुम होती, मज़ा आ जाता है. देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है यार. हवा की आवाज़ सुनिए, बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा है यार. आओ चलें यार. ये भाई साहब कम से कम 1 किलोमीटर से ज़्यादा हम लोग के साथ साथ आ रहे हैं. पता नहीं यार हम लोग के अंदर क्या है, मेरे अंदर ये साहब कुत्ते मेरे पीछे. भाई ये है हम लोग का होटल बन रहा है, तब तक ओपनिंग आ जाएगी. दिखाते हैं कहाँ पर हम पा रहे हैं. अभी फिर तक ओपनिंग होगी. अभी बाकी है फर्नीचर का काम और पेंट और पुट्टी तो हो ही गई है, मतलब ऑलमोस्ट ऐसा. काफ़ी कॉटेज वहाँ चल रहा है, सब में काम बस थोड़ा सा रहेगा. फिर तक हाँ हो जाएगा कंप्लीट, फिर में ओपनिंग है. मस्त लग रहा है. हमारा और टिड्डी का ये दूसरा घर है भाई. इसमें दो मगर मत टहलेंगे. डरा रहे भैया, जो आना चाहेगा वो भी नहीं आएगा. तो खुलने से पहले घाटा खुला हो गया. वो कितनी अच्छी लगी लाइफ, ऐसी सजेगा हम लोग सब कार. ये जो जितने भी कारपेंटर और वर्कर हैं सब लखनऊ के हैं. दिखा दो सब भाई साहब लखनऊ के हैं. बस चलते चले जाइए, फिर सामने बीच है. मतलब एंट्री बता रही है ये. तो हमें लग रहा है अभी फ्रिज व्रिज है, अभी बड़ी वाली जो भी है. तो यहाँ तो सीमेंट वीमेंट बहुत गंदा पड़ा हुआ है. तो फर्नीचर जितना भी आप देख रहे हैं सब लखनऊ से आया था. जिस ट्रक से आए थे ये फर्नीचर, उसी से मेरा सामान आया था. ये बैठने का कितना प्यारा लग रहा है. रेस्टोरेंट आप लोग को भी डेफ में बाद में दिखाएंगे जब बन जाएगा. अभी तो हम भाई अब यहीं हैं, ये पहला हमारा ब्लॉग है, सब आज ही देख लेंगे क्या. अब चलते हैं हम लोग बीच पे, थोड़ी बहुत बीच दिखा देंगे, अब ब्लॉग एंड कर देंगे क्योंकि हम सुबह से ब्लॉग बना रहे हैं और थक गए हैं. कई लोगों के मैसेजेज आ रहे हैं कि भाई ब्लॉग कब ड्रॉप कर रहे हो, तो भाई जल्दी से ड्रॉप कर देंगे ब्लॉग. और आप लोग को अगर अपडेट चाहिए तो हमने मेरा इंस्टाग्राम का लिंक हमने नीचे दे दिया है, जाके आप लोग फॉलो करें. बीच पे सीन दिखाते हैं आपको भाई. ये है भाई साहब बीच, गोवा वाली बीच. और पास चलते हैं क्लिक. ये एंट्री है, एंट्री है. Here we are. पानी ठंडा है बे बहुत. पानी यहाँ बहुत ठंडा है.
यहीं पे एंड करते हैं आपको। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब आपको लखनऊ की नहीं गोवा के कंटेंट देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आपको गोवा के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे, आप लोग को घुमाएंगे गोवा। तो भाई साहब, आज था मेरा पहला दिन और मज़ा आ गई हमें, अब तो यहीं रहना है। तो अब कुछ बात के लिए रख देते हैं, सब आज ही दिखा देंगे क्या हम। तो सी एन ए नेक्स्ट ब्लॉग।